इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ना दारू पी के मेरे साथ बहुत मारपीट करते हैं। दारू पी के मारपीट करते हैं? कम से कम 2 साल के लिए गया हो। अरे उस पे तो कोड़े बरसने चाहिए। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, दारू पीकर अपनी घरवाली को मारते हैं। मैडम आप चिंता मत करो, उसकी तो अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। आप कंप्लेन लिखो, 2-3 महीने में ना आपका काम हो जाएगा। 2-3 महीने में? पर मैं तो कंप्लेन अभी कर रही हूँ ना सर, तो आप अभी एक्शन लो। तो मैडम हम पे कोई और काम नहीं है क्या? 40-50 केस पहले पेंडिंग पड़े और 11 बजे मेरे को कोर्ट को निकलना है, तारीख है मेरी आज की। यहाँ पर कंप्लेन लिखवाने के ना कोई फायदा नहीं है, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कपिल, अरे मैडम रुको, ऐसी बात नहीं बनेगी। सर को ना कुछ चाय पानी खर्चा दे दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। मैडम पूरी दुनिया ना इसी से चलती है। सर अब तो मेरा काम हो जाएगा ना जल्दी। सुनो मुझको ना 2 मिनट में वो दारूबाज यहाँ चाहिए, जाओ फटाफट लेकर आओ उसे। जी जनाब। मैडम आप चाय लोगे या कॉफी? अरे भाई मैंने कुछ ना किया, मान क्यों ना रहे तू मेरी बात को। पीकर घरवाली को मारता है जनाब, ये रहा वो। अबे लंगड़े तुझे शर्म आनी चाहिए, दारू पीकर अपने घरवाली को मारता है। तेरी तो अभी अगल ठिकाने लगाता हूँ। सुनो इसे अंदर ले जाओ, इसका बढ़िया से रिमांड कर दो। अरे मेरे पैर में लगी हुई है। जब अपनी बीवी को मारता जब नहीं लगती पैर में? मेरी बात समझो ना, ये झूठ बोल रही है। जिके जिके मेरी एप्लीकेशन झूठी लगा रही है, ये मैंने कुछ ना बोला इसको। सुन अंदर जाएगा तो बहुत मार पड़ेगी, सर को ही चाय पानी खर्चा दे दे तो बच जाएगा तू। फिर नहीं मारोगे? कुछ भी नहीं करेंगे सर, चाय पानी की और पूछेंगे तुझसे। ठीक है दे दूंगा मैं रिश्वत। अरे रिश्वत नहीं, वो तो हमारी दक्षिणा है। चल जनाब इसे ही पूछताछ कर लो। मैडम आप पीछे खड़े हो जाओ, मुझे ना इससे पूछताछ करनी है। सर इसका ना अच्छे से रिमांड लेना। लो इंस्पेक्टर साहब। क्या कहें, दुनिया इसी से चलती है। अरे मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, वहां जाकर खड़ी हो गई। एक शरीफ आदमी को आप बदनाम कर रहे हो, वो भी अपने पति को। इतना शरीफ इंसान वो आपको कैसे मार सकता है? वो तो बेचारा खुदा पाई है। अब क्या हो गया, अभी तो आप मेरा फेवर ले रहे थे, अब इतनी जल्दी आप इसका फेवर लेने लगे। मैडम ऐसा थोड़ी होता है कि आपने बोल दिया अरे इसको सजा दे दे। हमें किसी गहराई में जाना पड़ता है, पूछताछ करनी पड़ती है, तब कोई डिसीजन लेते हैं हम। लगता है इसने मोटी रिश्वत खिलाई है आपको, है ना? मैडम हम एक पार्टी की सुनकर न्याय नहीं करते, दूसरी पार्टी की सुननी पड़ती है हमें। आप एक काम करो, निकलो यहाँ से और अपना घर का काम देखो, जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठाकर। निकलेंगे हम नहीं, निकलेगा तू। मतलब अबे लगड़ा रही है तू? ना ही मैं लगड़ा हूँ, ना ही ये मेरी पत्नी है। तो फिर ये कौन है? कौन है ये? जैन मैडम। अरे कमिश्नर मैडम है। जैन मैम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम जिस कुर्सी पर बैठे थे ना, तुम उसके लायक नहीं हो। इधर आ, ले इधर खड़ो। लोग थाने में आते हैं न्याय मांगने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाए? तुम लोग ना इस वर्दी के लायक नहीं हो। मैडम इस बार हमसे ना गलती होगी, आगे से गलती नहीं होगी कभी। अरे तुम जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा स्टाफ बदनाम होता है। हर कोई पुलिस वाले को बस इस नजरिए से देखता है कि पुलिस रिश्वत लेती है, बस तुम जैसे लोगों की वजह से। गलती तो तब होगी ना दोबारा जब तुम इस पोस्ट पर रहोगे। तुम लोग ना इस वर्दी के लायक ही नहीं हो। अब चुपचाप ना निकलो यहाँ से। रुको, दफा हो यहाँ से, चलो।